हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संचार क्रांति योजना छत्तीसगढ़ में क्यों बंद हुई, इनसे उनको क्या फ़ायदा होगा सरकार को जिससे ये योजना को बंद किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है जिससे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देता रहूँगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं संचार क्रांति योजना है क्या। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में 55 लाख लोगों को ये स्मार्टफोन मिलने वाला था। इसमें 5 लाख से 10 लाख स्टूडेंट भी थे और बाकी सभी लोगों को ये फोन मिलने वाला था। तो क्या हुआ कि जो संचार क्रांति योजना है वो अप्रॉक्स 20 से 25 लाख लोगों को ये फोन मिल चुका है और जिन लोगों को ये फोन नहीं मिला है उनको ये फ़ोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार लोग कह रहे हैं कि ये जो फ़ोन है उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नौकरी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में नए सीएम आ चुके हैं जिनका नाम भूपेश बघेल है। वो जो है उन्होंने कहा है कि ये जो योजना है संचार क्रांति योजना, इसको बंद करके उनके पैसों से हम किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ करेंगे। तो इसके तहत जो संचार क्रांति योजना है वो बंद किया जा रहा है और इसके अलावा रोज़गार के लिए वो कुछ नया कदम उठाने वाले हैं। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डेली हमेशा लाते रहूंगा, हालांकि जानते हैं कि मेरा एग्जाम चल रहा है फिर भी मैं वीडियो ला रहा हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।